उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित विश्वविख्यात कैंची धाम में इन दिनों रोजाना हजारों की संख्या में भक्त बाबा नीम करौली महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिस कारण कैंची धाम में अक्सर वाहनों की भीड़ लगी रहती है, जहां आने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है। इसलिए अगर आप भी नैनीताल जिले के कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो अब आपको जाम में घंटों नहीं फंसना पड़ेगा, जिसके लिए नैनीताल पुलिस ने अच्छी पहल शुरू की है। पुलिस ने रूट डायवर्जन कर व्यवस्था को संभाला है, जिसको लेकर भवाली सीओ नितिन लोहनी बताएंगे कि कैंची धाम आने वाले भक्तों को कैसे कैंची धाम में प्रवेश करना है। इसलिए अगर आप भी महाराज जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो इस खबर में जरूर देखिए नैनीताल पुलिस का ये ट्रैफिक प्लान। भवाली क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि कैंची धाम में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस द्वारा बनाए गए ट्रैफिक प्लान से पिछले 2 हफ्ते में स्थिति काफी बेहतर हुई है, जिससे बिल्कुल जाम की स्थिति नहीं बनी और ट्रैफिक मूव होता रहा। आगे उन्होंने बताया कि अभी अल्मोड़ा की ओर से आने वाले सिर्फ भारी वाहनों को ही डायवर्जन किया जा रहा है, जो क्वारप से रामगढ़ होते हुए भवाली और हल्द्वानी की तरफ निकलेंगे। इसके अलावा रानीखेत से आने वाले वाहनों के लिए कोई डायवर्जन नहीं किया गया है, वो गाड़ियां सीधे आ सकती हैं, उनके लिए पाबंदी नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि भवाली को हिट करने वाले ट्रैफिक को खुटानी से डायवर्ट किया जा रहा है, जिसमें सभी भारी वाहन शामिल हैं, जबकि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की ओर जाने वाले वाहनों से भी आग्रह किया जा रहा है कि अगर उन्हें कैंची के रास्ते नहीं जाना है तो वो 10 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय कर अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। वहीं खैरना की ओर जाने वाले वाहनों को भी जाने दिया जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि कैंची की पार्किंग और हरतबा बैंड की बाई तरफ गाड़ियों को पार्क किया जा रहा है। वहीं सभी रूटों पर पुलिस की प्रॉपर टीम तैनात की गई है, जो आपस में कोऑर्डिनेट कर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में वैसे आपने देखा होगा कि बहुत बेहतर हुई है सिचुएशन, काफ़ी हद तक ऑर्डर्ड और मैनेज वेल मैनेज रहा है वहाँ का जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है। कहीं पे भी अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 हफ्तों में कि जाम नहीं लगा है, जो भी ये ट्रैफिक वो लगातार मूव करता रहा है। तो उसके लिए हमने जो ट्रैफिक प्लान बनाया था उसमें सबसे पहले जो डाइवर्जन था वो क्वारप से किया जा रहा था। पहले हफ्ते हमने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया था, क्वारप से जितनी छोटी गाड़ियां हैं उनको भी हम थोड़ा रुक रुक के भेज रहे थे। इस हफ्ते हमने क्वारप में जो डाइवर्जन किया सिर्फ भारी वाहनों का किया है, रामगढ़ होते हुए वो भवाली की तरफ और नीचे हल्द्वानी की तरफ निकलेंगे। बाकी जो रानीखेत से आने वाली गाड़ियां उनको वो आ सकते हैं, उनके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। जाने के लिए जो भवाली को हिट करने वाला ट्रैफिक है वो खुटानी बैंड से पहले तो जो भारी वाहन है उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ भी जाने वाली गाड़ियां हैं उनको भी इंसिस्ट किया जा रहा है कि अगर उन्हें कैंची के माध्यम से नहीं जाना है तो थोड़ा सा 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर का एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है रामगढ़ तिराहे से, वो डाइवर्ट हो सकते हैं। उसे फोर्स नहीं किया जा रहा है, उसे पूछ लिया जा रहा है, अगर किसी को वहीं से जाने के लिए एडमिट है तो उन्हें जाने दिया जा रहा है। जैसे खैरना की तरफ रुकना है जाना है या उसी रूट की तरफ आगे जाना है उनको भी जाने दिया जा रहा है अभी। इसके अलावा हमने जो कैंची की पार्किंग है लगभग 180 से 200 वाहनों की पार्किंग है जो बनाई है, उसके साथ साथ हरतबा बैंड है, हरतबा बैंड में रास्ता जाता है गांव को, वहाँ पे भी बाईं तरफ गाड़ियों को लगाया जा रहा है, तो कम से कम 60 से 70 गाड़ियों का एक्स्ट्रा हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें भर जाती हैं तो फिर बाकी रूट किरोला तक और निगलाट तक हमारा जो प्लान है वो ये कहता है कि उसमें बाईं तरफ सड़क की वहाँ पे हम गाड़ियाँ लगाएंगे तरतीबवार। इसके लिए हमारी हॉक वहाँ पे इंस्टॉल्ड रहती है, हमारी ड्यूटीज़ इंस्टॉल्ड हैं, प्रॉपरली ब्रीफ ड्यूटीज़ हैं वहाँ पे। सेट के माध्यम से भी बार बार रीडिंग्स और डेटा लिया जाता है कि भवाली तिराहे में कितने व्हीकलर मूवमेंट हुआ है, कितनी गाड़ियाँ निकली हैं, सैनिटोरियम के रूट से कितनी गाड़ियाँ निकली हैं, क्योंकि आने वाले 45 मिनट में वही गाड़ियाँ कैंची में हिट करेंगी। और सेम रीडिंग्स दी जाती हैं क्वारप पे कि कब रोकना है ट्रैफिक को, कब नहीं रोकना है। महाराज जी के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं, बस जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करते रहें, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको थोड़ा सा तरतीबवार लगाएं। उत्तराखंड के नैनीताल से सीमा नाथ, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।